डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी हाउ कैन वी प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में हमने आपको बताया था कि अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जाए तो सबसे पहले एक एडिशन कंपाउंड बनता है, और एडिशन कंपाउंड का एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं, और उसके लिए हमने आपको उसका बेसिक रिएक्शन यानी उसके लिए जनरल रिएक्शन लिखा था। उसके बाद उसका एग्जांपल देके हम बताए थे कि प्राइमरी अल्कोहल जो कि इथाइल अल्कोहल होते हैं, अगर फॉर्मल्डिहाइड की प्रतिक्रिया हम कराएं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तब हमको किस तरह से मिलता है इथाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया अगर यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर अदर देन फॉर्मल्डिहाइड किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराई जाए तब हमको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। यानी आज अपने लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कल अगर ए नंबर लिखे थे प्राइमरी अल्कोहल को तो आज बी नंबर में लिखिए आप सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। इसके भी बेसिक रिएक्शन वही होंगे, यानी इसके लिए भी जनरल रिएक्शन उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल के केस में लिखते थे। इसके पहले इसका दो लाइन स्टेटमेंट लिख लीजिए कि हम सेकेंडरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। लिखेंगे आप सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑब्टेंड, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेंड व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ एन एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। हिंदी में आप लोग लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड की प्रतिक्रिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, या हिंदी में लिखेंगे ग्रिगनार्ड अभिक्रमक के साथ कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, देखिए हम अभी आपको क्या बताए कि एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मल एल्डिहाइड क्लास का जो पहला मेंबर होता है फॉर्मल्डिहाइड उसको छोड़ दें, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तब हमको मिलता है क्या, तब हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे किसी साल आया हुआ क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द एल्डिहाइड
gives primary alcohol with Grignard reagent, जिसके ऑप्शन में आपको दो तीन एल्डिहाइड के नाम दिए गए हैं और लास्ट ऑप्शन है नन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। तो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड इसके लिए देखिए, हम फॉर्मल्डिहाइड को अगर छोड़ दें तो दूसरे एल्डिहाइड के लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर सी एच ओ, आर सी एच ओ। और इसकी प्रतिक्रिया यानी इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम लिखे थे कल क्या, आर एम जी एक्स। अब देखिए यहां भी हमने एल्डिहाइड में आर अल्काइल ग्रुप ले लिया है, तो इसको इससे अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इस अल्काइल ग्रुप को कर देते हैं आर डैश, यानी यह हुआ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और ये हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट एडिशन कंपाउंड बनेगा। कल हमने आपको बताया था सीओ का जो डबल बॉन्ड होता है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है और ऊपर माइनस चार्ज आते हैं, डेल्टा माइनस चार्ज होते हैं और सी पर डेल्टा प्लस चार्ज होते हैं। सिमिलर मैनर में इस Mg पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है और इस R डैश पर डेल्टा माइनस चार्ज होते हैं। उसके बाद आप देखिए ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तब बनेगा हमको क्या, तब हमको बनेगा एक एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड देखिए C के साथ H है, O ऊपर माइनस चार्ज आएंगे तो ये प्लस वाला पार्ट, MgX इसके साथ आके मिलेगा O MgX और इस कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस चार्ज आएंगे तो ये माइनस वाले पार्ट यानी R डैश इसके साथ आके ऐड हो जाएगा और तब एडिशन कंपाउंड यह बनेगा, यह होगा जिसको हमने कल लिखा था एडिशन कंपाउंड और हिंदी में हम इसको लिखे थे योगशील यौगिक। एडिशन कंपाउंड और योगशील यौगिक, और इस कंपाउंड का अगर हम H प्लस आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएं, यानी किसी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएं, तब देखिए तब किस तरह से बॉन्ड टूटेगा। O और Mg के बीच जो टेम्पररी बॉन्ड बनते हैं वह यानी अस्थाई बॉन्ड जो बनते हैं वह ब्रेक करेगा और H और OH के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे और देखिए तब बनेगा आपको R CH। उसके बाद देखिए हम लिख देते हैं R डैश और OH प्लस, देखिए आपको कंपाउंड बनेगा Mg OH और X, Mg OH एंड X। और अब आप गौर से देखिए, हम आपको बताए थे सेकेंडरी अल्कोहल में आपको क्या मिलेगा CHOH, तो देखिए यह CHOH है तो यह कौन सा अल्कोहल होगा, तो ये आपको होंगे सेकेंडरी अल्कोहल, यानी यह होगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए यह जो हमने रिएक्शन लिखा यह जनरल रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, देखिए अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो हम R के बदले क्या लिखते इस एल्डिहाइड में H, उसके बाद हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता। हमने क्या किया, अदर देन एल्डिहाइड लिया, यानी अब एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगा होगा CHO के साथ, तो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और इसका हम रिएक्शन कराए किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो फर्स्ट एडिशन कंपाउंड बनाया, उसके बाद यह एडिशन कंपाउंड, इस एडिशन कंपाउंड का जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तब आपको मिला सेकेंडरी अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट क्या मिला MgOHX। पहले इस रिएक्शन को नोट कीजिए, उसके बाद इसी रिएक्शन में हम कुछ चीज रिप्लेस करके आपको रियल रिएक्शन जो लेबोरेटरी में कराए जाते हैं
उसको बताएंगे। नोट कीजिए पहले सभी बच्चे, आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अब आप कहोगे कि ये तो सर जनरल सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लें तो फॉर्मल एल्डिहाइड क्लास का सेकेंड मेंबर होता है एसीटाल्डिहाइड। अब देखिए एसीटाल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम कराएं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, देखिए इसी इक्वेशन को हम रेक्टिफाई कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हम अदर देन फॉर्मल्डिहाइड में हमने लिया एसीटाल्डिहाइड CH3CHO, यह कंपाउंड देखिए आपको क्या हुआ एसीटाल्डिहाइड को IUPAC सिस्टम में आप कहोगे तो क्या कहे जाते हैं ये इथेनॉल, यानी इथेनॉल का हम रिएक्शन कराएं किसके साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं। कल के एग्जाम्पल में, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं, तो आज हम फिर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसी तरह से देखिए इसमें भी होगा। इस एमजी पर आएंगे डेल्टा प्लस चार्ज, इस कार्बन पर होंगे डेल्टा माइनस चार्ज, पोलराइजेशन होगा तो देखिए फिर एडिशन कंपाउंड बनाएगा। इस बार एडिशन कंपाउंड में जहां अल्काइल ग्रुप हमने आर लिया था, अल्काइल ग्रुप के बदले आपको क्या है मिथाइल ग्रुप, या देखिए सी डबल बॉन्ड हो के बॉन्ड टूटेंगे और देखिए तब सी पर होगा प्लस चार्ज और ओ पर होंगे क्या माइनस चार्ज, यानी सी पर होंगे डेल्टा प्लस, सॉरी हमने प्लस चार्ज बोल दिया, बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है बल्कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे और ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होंगे, तब इस तरह से बनेगा आपको एडिशन कंपाउंड और यहां आके फिर मिल जाएगा क्या CH3 ग्रुप। यह जो कंपाउंड हुआ इस कंपाउंड को अपने लोग क्या कहते हैं, तो इस कंपाउंड को कहते हैं एडिशन कंपाउंड और हिंदी में आप ही लिखोगे इसको तो इसके बदले लिख लो योगशील यौगिक कहलाते हैं। इस कंपाउंड के नाम लिखोगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड के नाम होंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यह जो एडिशन कंपाउंड बना, इस एडिशन कंपाउंड का अगर हम H+ आयन के प्रेजेंस में यानी किसी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएं तब क्या होता है, तब देखिए O और Mg के बीच जो बॉन्ड बनते हैं टेम्पररी बॉन्ड वो टूटते हैं और H2O में H और OH के बीच जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH, उसके बाद देखिए CH3, फिर देखिए इसके साथ O के साथ H मिल जाएंगे तब क्या होगा OH, और देखिए एक बाय प्रोडक्ट बनेगा MgOH Br, और यह जो कंपाउंड आप देख रहे हैं CH3CH CH3OH, इस कंपाउंड को अगर कॉमन सिस्टम में आप लिखोगे तो क्या कहते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल,
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आईपीएसी सिस्टम में लिखोगे तब इस कंपाउंड को क्या कहे जाते हैं, टू प्रोपेनॉल। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, टू प्रोपेनॉल। यानी इस रिएक्शन में देखिए, हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तब एक एडिशन कंपाउंड बना। इस एडिशन कंपाउंड का हमने एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया, तब हमको क्या मिला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपको इन जनरल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज क्रिएटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यानी क्या होता है, जब एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तत्पश्चात अम्ल की उपस्थिति में या तत्पश्चात हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो या आपसे कन्वर्शन में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डायरेक्ट स्टेप होते हैं। और खास करके बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो बिहार बोर्ड में देखिए एकदम आजकल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का लेवल एवरेज, बिलो एवरेज नहीं बल्कि वेरी वेरी लो एवरेज, लो होता है। इसको आप सभी बच्चे नोट कीजिए, तब फिर अपने लोग आगे बनाएंगे टर्शियरी अल्कोहल, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कराएंगे कीटान के साथ, और एडिशन कंपाउंड जो मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसके बाद हमको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। फटाफट आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। अब लोग सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए हम लिखते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके, कल ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये सिंथेटिक रिएजेंट होते हैं। सिंथेटिक रिएजेंट होते हैं मतलब इसका उपयोग कर और दूसरे बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी बनाया जाता है। और तो इसी सीरीज में अब हम लिखेंगे टर्शियरी अल्कोहल कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, टर्शियरी अल्कोहल के, सॉरी कीटान के साथ कराएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। यानी देखिए सी नंबर में आप लिखोगे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तृतीयक, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। यानी तृतीयक अल्कोहल किस तरह से तैयार किए जाते हैं, सभी बच्चे पहले इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। आप लिखोगे टर्शियरी अल्कोहल, पहले अंग्रेजी में बोल रहे हैं उसके बाद हिंदी में भी बोल देंगे, टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल्स कर दीजिए, टर्शियरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेंड एंड
when Grignard reagent reacts with a ketone. फिर से बोल देते हैं, tertiary alcohols are obtained when Grignard reagents reacts with a ketone. अब देखिए इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन आपको क्या बताया है कि कीटान, देखिए कीटान के लिए आप जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, यानी यह कौन सा कंपाउंड हुआ तो कीटान। हम बेसिक क्लास काफी दिए थे आप लोगों को, जिसको हमने बेसिक कंसेप्ट करके दिया था, वो क्लास हम आपको इसलिए दिए थे कि आपको कोई भी चीज जो हम आगे के वीडियो में बताएं उसको समझने में तकलीफ नहीं हो। और उसमें हम हर एक तरह से लिखे थे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसके प्राइमरी मेंबर क्या होते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसके आईपीएससी नेम क्या होते हैं। तो देखिए यह कंपाउंड हुआ कीटान, और इस कीटान का हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और इस कीटान में देखिए हम दो अल्काइल ग्रुप ले चुके हैं आर एंड आर डैश। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स या आर एम जी एक्स जो है। तो अब इसको हम अलग करने के लिए इस अल्काइल ग्रुप को हम कर देते हैं आर डबल डैश, और यह हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसका, तो सबसे पहले देखिए उसी तरह से रिएक्शन इस केस में भी होगा। यह देखिए इस तरह से सी और ओ के बॉन्ड में देखिए पॉलरिटी डेवलप करेगा, फिर आर और एम जी के बॉन्ड में भी पॉलरिटी डेवलप करेगा। इस पर आएगा डेल्टा प्लस और इस पर आएगा डेल्टा माइनस। इसमें यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आर डबल डैश एक सिंबल दिया हुआ है। तो यह कंपाउंड देखिए जब बॉन्ड टूटेगा सी और ओ का, तो यह क्या बनाएगा आर, यहां देखिए आपको रहेगा आर डबल डैश, देखिए यह बनाएगा आर, उसके बाद देखिए सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहां देखिए होगा आर डैश, और ऊपर जो पार्शियल माइनस चार्ज आएंगे यानी फ्रैक्शनल माइनस चार्ज होगा, तो इसके साथ आके मिलेगा एम जी एक्स, और इस सी के साथ एक दूसरा अल्काइल ग्रुप जो आर डबल डैश है यह आके मिलेगा, और ये बनाएंगे क्या एडिशन कंपाउंड, यह बनाएगा आपको एडिशन कंपाउंड, ये बनाएंगे आपको एडिशन कंपाउंड। और इस एडिशन कंपाउंड का हम क्या करेंगे एच प्लस यानी किसी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, किसी एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तब देखिए क्या होगा ओ और एम जी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, एच और ओ एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और देखिए तब यह क्या बनाएगा सी, देखिए उसके बाद इसके साथ आर है, इसके साथ क्या है आर डैश है, और इसके साथ क्या है आर डबल डैश है, उसके बाद यहां देखिए आके मिलेगा क्या ओ एच प्लस, देखिए एक बाय प्रोडक्ट बनेगा एम जी ओ एच और देखिए एक्स। अब देखिए हम क्या बताए हैं जब सी ओ एच ग्रुप रहेगा तब हम क्या लिखेंगे टर्शियरी अल्कोहल, यानी यह कंपाउंड क्या होगा टर्शियरी अल्कोहल, यानी कंपाउंड आपको क्या मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। यानी इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, इस रिएक्शन में हम किए हैं कि हम कीटान का रिएक्शन किसके साथ कराए, तो कीटान का रिएक्शन हम कराए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तब एक एडिशन कंपाउंड बनाया, तब एडिशन कंपाउंड जो बनाया उसका एच प्लस आयन के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तब बना हमको क्या टर्शियरी अल्कोहल प्लस एक बाय प्रोडक्ट बना। अब अगर हम मान लीजिए कीटान फैमिली का फर्स्ट मेंबर लें, कीटान फैमिली का
फर्स्ट मेंबर देखिए क्या होता है, एसीटान। कीटान फैमिली का फर्स्ट मेंबर देखिए होता है एसीटान, सी डबल बॉन्ड हो। और देखिए यहाँ हम लिखते हैं सी एच थ्री, और देखिए यहाँ लिखते हैं सी एच थ्री। अगर कॉमन सिस्टम में आप इसको लिखोगे तो कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड को कहते हैं एसीटान, और आईयूपीएसी सिस्टम में हम क्या कहते हैं प्रोपेनॉन। आईयूपीएसी सिस्टम में कहते हैं प्रोपेनॉन। और इसका रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, फिर देखिए हम लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी देखिए CH3 MgBr के साथ इसका रिएक्शन कराएं, यानी इसका रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएं। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके बीच देखिए पोलैरिटी डेवलप करेगा, इस पर क्या आएंगे डेल्टा प्लस चार्ज, सी पर देखिए होगा डेल्टा माइनस चार्ज। तब जो एडिशन कंपाउंड बनेगा वह एडिशन कंपाउंड देखिए क्या होगा CH3, देखिए यह एडिशन कंपाउंड होगा CH3O के साथ, देखिए आके क्या मिलेगा MgBr, और C के साथ आके मिलेगा क्या CH3। इस कंपाउंड को अपने लोग क्या कहते हैं, तो इस कंपाउंड को कहते हैं अपने लोग एडिशन कंपाउंड। हिंदी में लिखोगे आप तो हिंदी में इसको कहते हैं योगशील यौगिक। और इसका हम H+ आयन के प्रेजेंस में यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। एसिड के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो देखिए O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और देखिए तब क्या बनाएगा, तब बनाएगा देखिए CH3, और देखिए CH3 OH OH+, देखिए बाय प्रोडक्ट बनाएगा क्या, क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा MgOH Br, और इस कंपाउंड के आप कॉमन सिस्टम में नाम पहले बता चुके हैं क्या होते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसके नाम होते हैं क्या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी यह कंपाउंड बनाएगा आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सभी बच्चे इसको नोट कीजिए, इस वीडियो में देखिए कुछ लेटर छोटा हो गया है, अगर आप लोगों को तकलीफ होगी तो बताएंगे, लिखने में दिक्कत होगी तो, अगर नहीं दिक्कत होगी, मैं तो साफ साफ देख रहा हूं, अगर नहीं दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। फटाफट आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कीजिए, समझे। जरा तेजी में लिखिए आप लोग,
देखिए एक चीज जो हमने लिखा है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है देखिए MgOHBr के सामने आ गया है। आप लोग चाहें तो इसको हटा के इसके बगल में लिख सकते हैं, ठीक। यानी यह जो कंपाउंड बना इसको आप इस तरफ लिख दीजिए, या आप लोग के तो कॉपी में जगह होती होगी तो इसको लिख दोगे आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मुझे लगता है आप लोग सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में एक और मेथड का प्रिपरेशन दिया हुआ है जो आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे उसको भी हम कर देंगे। और वह मेथड देखिए है फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मेथड यद्यपि बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं इससे क्वेश्चन। आप लोग एनसीईआरटी किताब देखोगे, कुछ तो किताब करोगे, हमने कई ऐसे मेथड बताए जो एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी हमने आपको बताया। एक मेथड छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर वो भी नहीं होगा बताओगे वो भी कर देंगे, वो भी बता देंगे। इसके आगे देखिए हम आपको बताएंगे हर कंपाउंड में एक ही सिक्वेंस पढ़ना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपको पढ़ना होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपको पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अल्कोहल का, अल्कोहल का भौतिक गुण, अल्कोहल का भौतिक गुण, यानी अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ऊपर में आप हेडिंग बनाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के भौतिक गुण। लिख लिए होंगे, देखिए अल्कोहल के लिए हम आपको क्या बताए थे, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमने आपको बताया था ROH होता है। और देखिए अल्काइल ग्रुप है और हमने अल्काइल ग्रुप के लिए जनरल फॉर्मूला लिखा था, अल्काइल ग्रुप के लिए हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था CnH2n+1, CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप का है। उसके बाद आप OH लिख दीजिए। तो अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट मेंबर कब मिलेगा आपको, जब n का वैल्यू आप 1 डालोगे। n का वैल्यू देखिए, जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो क्या होगा, CH3OH। देखिए n का वैल्यू 1 लिखोगे आप तो होगा CH3OH2 रखोगे,
तो क्या होगा C2H5OH। ये सब आपको पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, उसमें आइसो, नियो, टर्सरी, जो ग्रुप होगा सेकेंडरी, वो तो आएंगे ही आएंगे। देखिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको जानना होता है कि उसका फिजिकल स्टेटस क्या होगा, यानी अल्कोहल सीरीज के जो मेंबर होंगे उसके फिजिकल स्टेटस क्या होंगे। फिजिकल स्टेटस से क्या मीनिंग होगा, देखिए आइदर वो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस होंगे, यानी कंपाउंड ठोस है या द्रव है या गैस है। चलिए इसको नोट कीजिए, पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे उसके बाद हिंदी में बोलेंगे। पहले आप लिखिएगा द लोअर मेंबर्स अप टू C11, द लोअर मेंबर्स अप टू C11, यानी इसके अल्कोहल क्लास के मेंबर का, अल्कोहल क्लास का लोअर मेंबर जिसमें C11 तक हो, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 तक हो, और कलरलेस लिक्विड, हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड। हिंदी में आप लिखेंगे अल्कोहल श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य, अल्कोहल श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य C11 तक रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य मोम की तरह ठोस होते हैं। देखिए ये सॉलिड होते हैं पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, बल्कि वो मोम की तरह नरम होते हैं। देखिए सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिखोगे, इसका सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे अल्कोहल्स आर का अल्कोहल्स आर कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल, अब बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अल्कोहल के जो होते हैं वो खास तरह के गंध होते हैं, यानी अल्कोहल को हम उसके गंध से यानी स्मेल से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए आप अपने घर में देखे होंगे कि अगर कहीं किसी कोने में किरासन तेल गिरा हुआ है, केरोसिन ऑयल, तो आप उसके स्मेल से ही जान जाओगे कि घर में कहीं ना कहीं किरासन तेल गिरा हुआ है। चलिए हिंदी में आप लिखेंगे अल्कोहल का
अल्कोहल का विशिष्ट, अल्कोहल का विशिष्ट अल्कोहलीय गंध होता है। अल्कोहल का विशिष्ट अल्कोहलीय गंध होता है। थर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखो, अल्कोहल सा टॉक्सिक इन नेचर, यानी अल्कोहल जो होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अल्कोहल सा टॉक्सिक इन नेचर। उसी में लिखोगे मिथाइल अल्कोहल्स, मिथाइल अल्कोहल इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, व्हाइल इथाइल अल्कोहल, व्हाइल इथाइल अल्कोहल इज लीस्ट टॉक्सिक, इज लीस्ट टॉक्सिक। हिंदी में लिखोगे आप अल्कोहल टॉक्सिक प्रवृत्ति के होते हैं। टॉक्सिक लिखोगे स्पेलिंग TOXIC, अल्कोहल टॉक्सिक प्रकृति के होते हैं। मिथाइल अल्कोहल अत्यधिक टॉक्सिक होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल कम टॉक्सिक होते हैं, जबकि इथाइल अल्कोहल कम टॉक्सिक होते हैं। देखिए इसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी अल्कोहल की घुलनशीलता क्या होती है। जो बच्चे क्लास कर रहे होंगे उसको हम सॉल्यूशन चैप्टर में बताए हैं, सॉल्युबिलिटी यानी कोई भी पदार्थ किसी चीज में घुलता क्यों है, तो यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं, एक अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का दूसरे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है, ये सब बातें आपको हम कल के वीडियो में बताएंगे कि यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का आगे वाला हिस्सा आपको कल के वीडियो में मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग रीडिंग नहीं कीजिए बल्कि लर्निंग कीजिए। रीडिंग और लर्निंग देखिए दोनों में फर्क होता है। रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ लेना, यानी हमने किसी चीज को पढ़ लिया तो वह रीडिंग हो गया। जैसे हम किताब पढ़े, अखबार पढ़े, जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यह रीडिंग होगा। जाहिर सी बात है आप किसी चीज को अगर आज पढ़ते हो तो वह रीडिंग होगा, और उसी चीज को अगर कल आप पढ़ो और आज आपने जो कुछ पढ़ा उसको खुद से लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो, आपके अंदर अगर उसकी समझ हो गई, या आज आपने जो पढ़ा कल उतने को आप याद रख पा रहे हो, तो यह होता है लर्निंग। कुछ बच्चों का होता है रट्टा मारना, रट्टा मारने से आपको परीक्षा में नंबर तो आ जाएगा पर आगे आप किसी कंपटीशन में सक्सेस नहीं करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लर्निंग प्रोसेस में आपका कुछ साथ दे पा रहा हूं। आप हमारे वीडियो से कुछ
लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेष मुलाकात यानी अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी का शेष भाग हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको कल के ही वीडियो में शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और कल के वीडियो में सबसे पहले हम आपको सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से पहले आपको एक चीज बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि अल्कोहल के सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले हम आपको वो बताएंगे, उसके बाद बताएंगे सॉल्युबिलिटी, उसके बाद अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट, तब केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों की इस लॉकडाउन में बुरी परिस्थिति में कुछ मदद कर पा रहा हूँ। धन्यवाद। शेष मुलाकात होगी कल के वीडियो में।